अगर किसी पक्षी की अगर चोंच टूट जाए तो वो भूखा मर सकता है क्योंकि बिना चोंच के वो कुछ भी खा नहीं सकता। लेकिन क्या आपको पता है ईगल एक ऐसा बर्ड है जो कि जानबूझ के अपनी चोंच को तोड़ देता है। अब सवाल आता है कि बिना चोंच के भूखे भी मर सकते हैं फिर भी ये अपनी चोंच को क्यों तोड़ देते हैं? गजब की इन्फॉर्मेशन देंगे। हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जो ईगल होता है 320 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ता है और अपनी तेज धार चोंच से किसी भी चीज को चीर फाड़ सकता है। लेकिन जैसे जैसे इसकी उम्र 30 से 40 साल की हो जाती है वैसे वैसे इसके पंख भारी हो जाते हैं और इसकी चोंच की धार भी चली जाती है, जिसकी वजह से ना ही ये अच्छे से उड़ सकता है ना ही ये शिकार कर पाता है। ऐसे में वो किसी ऊंचे पहाड़ पे जाके पत्थर से मार मार के अपनी चोंच को तोड़ देता है। 2 से 3 महीने के बाद उसकी नई चोंच आती है और उस नई चोंच की मदद से अपने पुराने पंखों उखाड़ के फेंक देता है। 2 से 3 महीने के बाद उसके फिर से नए पंख आ जाते हैं। 6 से 7 महीने इस पेनफुल प्रोसेस को सहने के बाद ईगल पहले की तरह फिर से आसमान की तरफ अपनी उड़ान भरता है।